Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Now we will solve question number 3 of exercise 6.3. This question is given to you in figure. To given you the figure AB CD ke parallel. Here the AB line hai, that is parallel to line CD and angle GED is 126 degree. And you have given here angle GED is equal to 126 degree. ये एंगल आपको दे रखे हैं यहाँ पे एंगल जी ई डी मीन्स ये होल एंगल सारे का सारा एंगल दे रखे हैं आपको दिस इज 126 डिग्री और आपको क्या दे रखा है ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ऑन सी डी जो ई एफ है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी मीन्स ये एंगल भी आपको दे रखा है दिस इज 90 डिग्री देन यू हैव टू फाइंड ए जी ई एंगल ए जी ई ये आपको एंगल निकालना पड़ेगा ये एंगल कितना है यू हैव टू फाइंड दिस अब देखो आपको क्या दे रखा है ये दो लाइंस हैं दोनों लाइंस पैरेलल हैं और इसके लिए ये जो जी ई लाइन है ये ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी यहाँ पे दो लाइन दे रही है आपको एक कोई लाइन आ रही है दो इसको जी पे और इसको ई क्यू पे इंटरसेक्ट करेगी अब आपको ये भी एंगल दे रखा है पूरे का पूरा 126 और आपको पता है कि एंगल फाइंड करना है आपको तो देखो ये दोनों दो लाइन हैं दो लाइन पर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है और ये जो दोनों एंगल होते हैं कौन से एंगल होते हैं एल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंगल कौन सा लिखना है आपने ए जी ई ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी वाई टू इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो यहाँ पे एंगल ए जी ई तो ए जी ई आ गया ये तो फाइंड करना है तो जी ई कितना दे रखा है 126 उसकी कैलकुलेट कर बिकॉज एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री और यहाँ से आपके पास क्या आ गया एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू 126 डिग्री नेक्स्ट अब आपने क्या फाइंड करना है एंगल जी ई एफ एंगल जी ई एफ ये आपको फाइंड करना है देखो ये एक लाइन दे रखी है आपको और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है दिस वन इज अनदर लाइन ठीक है जी ये आपको पता है कि कितना है 90 डिग्री है तो ये टोटल भी आपको पता है कितना है 126 अब निकालना क्या आपने ये वाला एंगल ये कैसे आएगा टोटल में ऐसे 90 माइनस कर देंगे तो यहाँ ये एंगल आएगा ठीक है जी नौ कौन सा एंगल है ये जी ई एफ एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी अब जी ई डी आपको दे रखा है 126 डिग्री एफ ई डी पता 90 डिग्री एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 90 क्यों है बिकॉज ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी माइनस हो गया क्या आएगा 36 डिग्री मींस एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 36 डिग्री अब एक चीज आपको फाइंड करनी है एंगल एफ जी ई एंगल एफ जी ई अभी ये एंगल आपको पता करना है ये आपको पता चल गया ये 126 है और आपने ये वाला एंगल पता करना है तो इसके लिए हम सीधे इसको क्या कर देंगे अब आपको पता है ये जो एंगल है ये एक लाइन है लाइन को उसको खड़े आ रही है उसको दो एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो जो लाइन के ऊपर एंगल होता है स्ट्रेट एंगल या लीनियर पर एंगल हो सकते हो यहाँ पे इसको कौन कौन सा एंगल है एंगल ए जी ई
F G E. Is equal to 180 by linear bare angles. A G E की जगह पे 180 degree. Cross angle F G E is equal to 180 degree. यहाँ से angle F G E आप सॉल्व करोगे तो आएगा 180 minus 126 and this is 54 degree. F G E आपके पास आ गया is equal to 54 degree. तो यही angles आपको चाहिए, तो इन angles इनों का आप आंसर निकाल लेंगे.